हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है इम्यूनिटी। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर इम्यूनिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है। पिछली जो हमारे पास पुरानी बुक थी उसके अंदर इम्यूनिटी का टॉपिक नहीं था, इम्यूनिटी का चैप्टर नहीं था, टॉपिक था, लेकिन वो जो है वो प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का चैप्टर था उसके अंदर ही सर्कुलेशन और ये इम्यूनिटी का टॉपिक दिया गया था। लेकिन इस बुक में हमारे पास इम्यूनिटी का एक अलग से पूरा सा टॉपिक दिया गया है, तो इसको पढ़ेंगे। और इसके अंदर हमारे पास जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जैसे कि हमारे पास पहला टॉपिक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। सबसे पहले हम इन तीनों की समरी देखेंगे और उससे भी पहले हम इम्यूनिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं इम्यूनिटी। नो मैटर हाउ मच हाइजीन वन कीप्स, आवर बॉडी इज ऑलवेज एक्सपोज टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म सच एज ए वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो यहाँ पर यह बात लिखी हुई कि जितना भी चाहे इंसान जो है वो हाइजीन रखे, जितना भी इंसान सफाई रखे, जितना भी इंसान हेल्दी खाना खाए, लेकिन उसकी जो बॉडी है, इंसान की बॉडी है, वो हमेशा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज होती है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में हमेशा जाते रहते हैं और हमेशा जो है वो हमारी बॉडी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से अटैच होती है, लगती रहती है, और ये जो है हमें अटैक करते रहते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और फंजी। तो इनसे कैसे हमारी बॉडी बच पाती है? हम जो है वो उनसे बच भी तो नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो उससे लड़ता है, उसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड हैव देयर ओन यूनिक वे टू इन्फेक्ट आवर बॉडी। ये जो वायरस, बैक्टीरिया और फंजी जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, ये इस दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो ये जो है हमारी बॉडी से हर वक्त एक्सपोज होते रहते हैं और इनका एक अपना ही तरीका होता है हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करने का। तो ये डिफरेंट तरह से हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, हमें असरअंदाज कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट समटाइम्स वी फील एबनॉर्मलिटीज आर डिस्टर्बेंस इन आवर नॉर्मल सिस्टम्स। Initially, we use a bear and plan to visit some physician in the evening. तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमन ऑब्जर्वेशन में एक दिन ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है, या अचानक से हमें जब बॉडी के अंदर कुछ फील होता है, कुछ बीमारी फील होती है, हम क्या करते हैं, उसको उस दिन के लिए सह लेते हैं और हम जो है वो उसको बोलते हैं कि हम शाम को जो है वो डॉक्टर के पास जाएंगे, किसी फिजिशियन के पास जाएंगे दिखाने के लिए कि हमारी बॉडी के साथ क्या हुआ है, हमें जो है वो इतनी कन्फ्यूजन, इतनी डिस्टर्बेंस क्यों हो रही है, हमारी बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं। तो ये डॉक्टर को दिखाने के लिए हम शाम पर टाल देते हैं कि शाम को जाएँगे। तो उसके बाद क्या होता है, लेटर द कंप्लेंट इज़ रिसॉल्व ऑटोमेटिकली एंड वी फॉरगॉट एंड रॉन्ग अर्ली वाज मॉर्निंग वाज। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारी उलझन होती है या ये जो एबनॉर्मलिटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, ये जो बीमारी होती है, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और हम ये भी भूल जाते हैं कि सुबह कोई हमें बीमारी हुई थी या नहीं। तो ये अचानक से हमारी बॉडी का पहले कमज़ोर हो जाना, मतलब कुछ बीमारी हमें महसूस होना और उसके बाद खुद ब खुद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना, ये एक मिरेकल है, ये एक चमत्कार है। दिस मिरेकल हैपन्स ड्यू टू इम्यूनिटी इन आवर बॉडी विच मे बी डिफाइंड एज। ये जो मिरेकल हुआ है, ये जो चमत्कार हुआ है, ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी की वजह से हुआ है। ये इम्यूनिटी ही है जो कुछ ऑर्गेनिज्म से लड़ती है और उनसे हमें बचाती है। मिसाल के तौर पे किसी बैक्टीरिया ने हम पे अटैक कर दिया और हमारी इम्यूनिटी को उसका पता नहीं था और हमारी बॉडी को उसने इफ़ेक्ट करके जो है वो एक डिजीज़ काज करवा ली। अब यहाँ तक शाम को जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जब इम्यूनिटी को पता चला तो उसने उस डिज़ीज़ को ख़त्म करके, उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया और हमें बचा लिया, तो शाम को जो है वो हम ठीक हो गए। तो ये ऐसे ही इम्यूनिटी जो है वो एक्ट करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसकी जो है वो इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है, एक रुकावट है जो
पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म्स के अगेंस्ट आती है, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म से लड़ती है। मतलब हमारी बॉडी की एक ऐसी खासियत है, एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी काबिलियत है जो किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म को उससे लड़ती है और हमें उससे इन्फेक्ट होने से बचाती है, हमें बीमार होने से बचाती है। तो इम्यूनिटी जो है ये हमारी बॉडी के अंदर ऐसी ताकत है जो हमें बीमारियों से बचाती है, और ये क्या करती है, पैथोजेनिक जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जो हमें डिजीज़ का काज करवाते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको मारती है, उनसे लड़ती है। तो इसको जो वो हम इम्यूनिटी कहते हैं। ड्यू टू द इम्यूनिटी वी नॉट ओनली चेक द एंट्री ऑफ द पैथोजन इन आवर बॉडी बट आल्सो द टॉक्सिन द रिलीज आफ्टर द गेनिंग एक्सेस इन टू द बॉडी। तो हम जो है इम्यूनिटी की वजह से हम सिर्फ ये पता नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से पैथोजेंस गए हैं, हम सिर्फ इसका पता नहीं कर सकते बल्कि हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर आने के बाद उन पैथोजेंस ने कौन कौन से टॉक्सिन्स रिलीज़ किए हैं, कौन कौन से ख़तरनाक केमिकल्स रिलीज़ किए हैं, और उनसे भी जो है वो हम छुटकारा पा सकते हैं हमारी इम्यूनिटी की वजह से। तो इम्यूनिटी हमें जो है वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म के बारे में बताती है जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, और हमें ये भी बताती है कि वो हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से टॉक्सिन्स, कौन कौन से केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं और हमें उनसे बचना चाहिए। हाउएवर इट इज़ नॉट एंड ऑफ द टेल ऑफ द डिफेंस। तो ये जो है डिफेंस टेल का एंड नहीं है, मतलब अभी स्टोरी कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, हमारी इम्यूनिटी इससे भी आगे जाती है। वी डू चेक एंड डिस्ट्रॉय आवर ओन एबनॉर्मल सेल्स एज वेल एज फॉरेन बॉडीज़ इन आवर बॉडी। तो ये क्या है, फॉरेन जो सेल्स होते हैं, कुछ हमारे खुद के एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, उनको भी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय करती है। इम्यूनिटी सिर्फ ये नहीं करती कि फॉरेन जो पैथोजेंस हैं उनको डिस्ट्रॉय करे और केमिकल्स का जो है वो सामना करे, बल्कि इम्यूनिटी जो है वो हमारे खुद के जो कुछ एबनॉर्मल सेल्स हैं या खुद के सेल्स जो ख़राब हो चुके हैं उनको भी इम्यूनिटी खींच के बाहर निकालती है और उनको भी डिस्ट्रॉय करती है। तो ये भी इम्यूनिटी हमारे काम करती है ताकि वो सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स जो है वो आगे बढ़कर हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाएं। उसके बाद हम आते हैं आगे, इम्यूनिटी इज़ कन्फर्ड टू एनिमल्स थ्रू द एक्टिविटीज़ ऑफ इम्यून सिस्टम। हमें जो है ये इम्यूनिटी क्या है, ये एक ताकत है, और ये एक ताकत हमें कहाँ से मिलती है, हमारे इंसान के इम्यून सिस्टम से मिलती है। एक किसी भी जानदार को, किसी भी एनिमल को जो है वो इम्यूनिटी उसके इम्यून सिस्टम से मिलती है। अब इम्यून सिस्टम क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स। अब सबसे पहले हमने इम्यूनिटी का देखा, इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी एक एबिलिटी है, ये कोई चीज़ नहीं है बल्कि ये एक ताकत है, एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हमारी बॉडी जो है वो खुद किसी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ती है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। अब ये इम्यूनिटी हमें कहाँ से मिलती है, ये ताकत हमें कहाँ से मिलती है, ये ताकत हमारे सिस्टम से मिलती है। हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम है जो ये ताकत हमें प्रोवाइड करता है, और उसे हम जो है वो इम्यून सिस्टम कहते हैं। इस ये इम्यून सिस्टम है क्या, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, ये सेल्स का कलेक्शन है और ये प्रोटीन का कलेक्शन है। मतलब सेल्स और प्रोटीन्स कुछ ऐसे होते हैं जो इम्यूनिटी हमें देते हैं, दैट वर्क इन द इंटीग्रेटेड फैशन टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द पोटेंशियली हार्मफुल इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। तो ये जो है ऐसा एक ऐसा कलेक्शन है जिसके अंदर सेल्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, और ये साथ में मिलके काम करते हैं और एक ऐसा फैशन डेवलप करते हैं जिसमें वो जो है वो बॉडी को बचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और जो हार्मफुल और इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उनसे हमें बचाते हैं और हमारे अंदर कोई डिजीज़ काज नहीं करवाने देते। तो ये सेल्स और प्रोटीन्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी पहुँचाते हैं, हमें ऐसी ताकत देते हैं जिससे हम बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द कैरियर कैंसर एंड एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी एंड रिजेक्शन प्रॉब्लम्स व्हेन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स आर ट्रांसप्लांटेड। तो ये जो इम्यूनिटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए। कैंसर में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स पैदा होते हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि एबनॉर्मल सेल्स को भी इम्यूनिटी डिस्ट्रॉय करती है, तो कैंसर हमारे पास कंट्रोल की जा सकती है इस इम्यूनिटी से। तो इम्यूनिटी हमें कैंसर होने से भी बचाती है, एलर्जी के अंदर भी यही होता है, एलर्जी से भी हमें जो है वो इम्यूनिटी बचाती है, हाइपर सेंसिटिविटी से बचाती है जिसमें हमारी जो है वो हमारे सेंसेस हाई हो जाते हैं, और हमें जो है वो रिजेक्शन प्रॉब्लम से बचाती है जब हम किसी और इंसान का ऑर्गन या टिश्यू जो है वो लगाते हैं,
ट्रांसप्लांटेशन उसको कहते हैं जिसमें हम एक इंसान का ऑर्गन जो है वो निकाल कर दूसरे इंसान के अंदर लगाते हैं, उसे जो है वो ट्रांसप्लांटेड कहते हैं। तो ये जो ऑर्गन है दूसरे इंसान के अंदर लगाया है, इसके अंदर ये ऑर्गन जो है वो रिजेक्ट भी किया जा सकता है, मतलब इसकी बॉडी जो है वो इस ऑर्गन को नहीं लेगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसको जो है वो रिजेक्शन कहते हैं। तो ये इस रिजेक्शन की प्रॉब्लम से भी इम्यूनिटी हमें बचा सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो वो रिजेक्शन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं। द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग एंड डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम इज टर्म्ड एज इम्यूनोलॉजी। तो जो फंक्शनिंग है हमारे इम्यून सिस्टम की, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, इनकी स्टडी, और हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम ख़राब होता है जिसकी वजह से जो है वो इम्यून सिस्टम की बीमारियाँ होने लगती हैं, ये इसकी जो स्टडी है इम्यून सिस्टम की स्टडी, हम कम्प्लीटली कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यून सिस्टम के फंक्शंस, इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। तो इम्यूनोलॉजी एक बायोलॉजी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन और उसके डिसऑर्डर के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो टाइप्स लिखे हुए हैं इम्यूनिटी के। इम्यूनिटी के यहाँ पर ये टाइप्स जो लिखे हुए हैं, दिस इम्यून सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू फॉलोइंग फंक्शनल डिवीजन्स। इसके तो दो डिवीजन्स हैं, मतलब इम्यूनिटी को हमने दो हिस्सों में बांटा है। ये नहीं है कि इम्यूनिटी के दो टाइप्स होते हैं, यहाँ पर इम्यूनिटी के दो हिस्से हैं, इम्यून सिस्टम के दो हिस्से हैं, एक है इनेट इम्यून सिस्टम और एक है अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। तो इनेट इम्यून सिस्टम क्या है और अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम क्या है, आज इस वीडियो में समझते हैं। उसके बाद हम अगली वीडियो में हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इनेट इम्यून सिस्टम पे। इट्स अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम विच प्रोवाइड अस नेचुरल इम्यूनिटी। ये इम्यून सिस्टम का वो पार्ट है जो हमें नेचुरल इम्यूनिटी देता है, मतलब नेचुरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो इंसान को अपनी जन्म से ही मिले। जब इंसान जन्म मिला है इंसान को, जब इंसान बॉर्न हुआ है, जब इंसान पैदा हुआ है, तब से जो इंसान के पास इम्यूनिटी मौजूद है वो इम्यूनिटी इनेट इम्यूनिटी कहलाती है। इसके अंदर जो है वो इंसान को नेचुरल इम्यूनिटी मिलती है और वो कुदरत से खुद ब खुद इम्यूनिटी आती है इंसान के अंदर, ना कि हम उनको इसको इंसान को इंजेक्ट करें या इंसान को कोई और इंसान जो है वो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करे या किसी और तरीके से हम इम्यूनिटी लें, तो ऐसा नहीं होता। ये जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी होती है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक टाइप एज इट अगेंस्ट एनी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच ट्राइज टू इंटर आवर बॉडी। तो ये क्या है, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप है इम्यूनिटी का। नॉन स्पेसिफिक, हमारी इंसान के अंदर दो तरह की इम्यूनिटी होती है, एक होती है स्पेसिफिक और एक होती है नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक उसे कहते हैं जिसके अंदर जो है वो बॉडी को पता नहीं होता कि किस ऑर्गेनिज्म को रोकना है और किसको नहीं। ये जो है सभी के लिए ये एक रुकावट होती है। जो नॉन स्पेसिफिक होती है वो हर तरह के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, हर तरह के फॉरेन पार्टिकल को रोकती है, लेकिन स्पेसिफिक के अंदर ऐसा नहीं होता। वो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को टारगेट करती है और सिर्फ उसी को ही रोकती है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर हमारे पास वायरस आ गया, कोई एक कोरोना वायरस जैसे के है, तो इसका जो इसकी जो वैक्सीन होगी वो क्या है, वो हमें इम्यूनिटी देगी। ये सिर्फ क्या है, ये इस वायरस के लिए है, सिर्फ कोरोना वायरस के लिए ये इम्यूनिटी होगी और ये सिर्फ जो है वो कोरोना वायरस को ही रोकेगी। तो ये क्या हो गया, एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी हो गई और ये स्पेसिफिक सिर्फ इस वायरस को ही रोकेगी। लेकिन यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक जो है, यहाँ पर जैसे कि स्किन है, तो ये स्किन हर तरह के ऑर्गेनिज्म को रोकेगी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अंदर नहीं आने देगी। तो ये हर तरह के ऑर्गेनिज्म को रोक रही है, इसे जो है वो नॉन स्पेसिफिक कहते हैं। तो ये इनेट जो इम्यूनिटी है, इनेट इम्यूनिटी के अंदर जो भी पार्ट्स आते हैं, जो भी हमारी बॉडी के हिस्से आते हैं, जो इम्यूनिटी हमें देते हैं, वो सारे नॉन स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद इसमें आता है विच ट्राइज टू इंटर आवर बॉडी। तो ये हर तरह के ऑर्गेनिज्म को रोकती है जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर होना चाहता है। कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर इंटर करना चाह रहा है, तो उसको ये इम्यूनिटी रोकती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लाइन्स ऑफ डिफेंसेज। इसके अंदर दो लाइन्स होती हैं डिफेंसेज की। टोटल हमारी बॉडी के अंदर तीन डिफेंसेज की लाइन पाई जाती हैं, जिसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। तो इननेट इम्यूनिटी के अंदर दो लाइन्स आती हैं, फर्स्ट और सेकेंड लाइन जो है ये दोनों मिला के इननेट इम्यूनिटी कहलाती है। बाकी की जो थर्ड लाइन है वो अडॉप्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। तो सबसे पहले हम इनको जो है वो थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं कि ये क्या होती हैं लाइन्स और ये कैसे काम करती हैं।
उसके बाद जो है वो हमारे टॉपिक्स हैं, आगे कंप्लीट टॉपिक्स हैं, इनको हम कंप्लीट सही से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है डिफेंस की, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है ये जो है वो हर तरह के ऑर्गेनिज्म को रोकेगी। तो सबसे पहले क्या है, इसके अंदर फिजिकल बैरियर आते हैं और कुछ बायोकेमिकल बैरियर आते हैं। बैरियर का मतलब है एक रुकावट जो ऑर्गेनिज्म को रोकेगी हमारी बॉडी के अंदर आने से। तो ये बैरियर्स जो है वो ये किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर आने नहीं देते, और इस तरह से ये हमारी एक लाइन हो जाती है इम्यूनिटी की। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इंटैक्ट हमारी स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और सिलिएटेड एपिथेलियम है। स्किन जो है ये हमारे पास हमारी पूरी बॉडी के ऊपर होती है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने नहीं देती, और ये जो है एक फिजिकल बैरियर हो जाता है इम्यूनिटी के लिए। उसके बाद हमारी इंसान की बॉडी के अंदर जो मेम्ब्रेन है, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, ये भी एक तरह का डिफेंस प्रोवाइड करती है। ये क्या है, बॉडी को अंदर से ऑर्गेनिज्म को रोकती है हमारी बॉडी के इंटर होने से। तो ये सारी लाइंस जो है वो हम इन सभी की डिस्क्रिप्शन जो है वो हम आगे तफसील से डिस्कस करेंगे। तो बायोकेमिकल बैरियर्स में जो है वो सलाइवा आता है, म्यूकस आता है, HCl है, गैस्ट्रिक जूस है, टीयर्स और स्पर्माइन है जो सेमन में होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये केमिकल बैरियर्स हैं जो ऑर्गेनिज्म को रोकते हैं बॉडी में इंटर होने से और हमें नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। तो ये सारे बायोकेमिकल्स बैरियर, इनकी भी हम आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है वो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर ये भी नॉन स्पेसिफिक होते हैं, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह के सेल्स आ जाते हैं, और ये सेल्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई को इफेक्ट करते हैं, उनको मारते हैं और हमें उनसे बचाते हैं। इसमें सबसे पहले फैगोसाइट आ जाते हैं, जो किसी भी बैक्टीरिया को या किसी ऑर्गेनिज्म को जो है वो खा जाते हैं। ये क्या है, ये फैगोसाइट कहलाते हैं। नेचुरल किलर सेल्स इसके अंदर आते हैं, जो किसी चीज़ों को किल करते हैं, मारते हैं। इन्फ्लेमेशन है इसके अंदर, इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि वो वहाँ पर जो है वो कुछ हमारे किसी हिस्से के अंदर जो है वो उसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा और वहाँ पर हमें पेन होने लगेगा। तो ये भी क्या है, एक तरह का हमारे पास मैयर है जिससे हम बच सकते हैं। तो इन्फ्लेमेशन होना ये क्या है, एक तरह का मैयर है जिससे हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करती है। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स होती हैं कुछ, और फेवर भी हमें होता है, ये भी क्या है, डिफेंसेज के कुछ मैयर्स हैं। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जो है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आती है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी आती है, टी सेल्स और बी सेल्स आते हैं। तो ये सारे जो है वो हम आगे डिस्क्रिप्शन से सही से स्टडी करेंगे, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इम्यूनिटी से रिलेटेड और हमारे जो दूसरे बायोलॉजी के चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।